बचे हुए चावल का आइडिया, मेरे चावल बच गए हैं उसका क्या करूं, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए दिखाती हूँ मैं बचे हुए चावलों को मैंने क्या किया। कल मेरे चावल बच गए थे, मैंने क्या किया, एक कुकर लिया जिसमें चावल बचे हुए थे, उसमें मैंने क्या करा, थोड़ा सा पानी डाला और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन, और ये देखिए मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया। 3-4 सीटों के बाद जब आप निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये गरम गरम था और गरम गरम मैं इसको पीस नहीं सकती थी, तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ी देर पंखे की हवा में हवा लगा दी। हवा लगाने के बाद जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको क्या करा, इसका एक पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या करा, जितना भी ये अब पेस्ट बनाने के जो हमारे पास जो चावल का ये बन के तैयार हुआ है उसको हमने क्या करा, इस जार में डाल दिया। जार में डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसे आप जार में अच्छे से मिक्स करें, लेकिन ये अगर ये थोड़ा थिक होगा तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल दें, पानी मतलब आधी कटोरी, और ध्यान दें कि जो पेस्ट बन के तैयार हो वो पेस्ट आपका पतला ना हो, क्योंकि अगर पतला होगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो पानी कम ही डालें इसमें, और पेस्ट जो आपका बन के निकले वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर वो मोटा नहीं होगा तो वो अच्छे से कुरकुरे नहीं बनेंगे, ज़्यादा पतला होगा तो आपको जब आप जब इसकी कुरकुरे का शेप देंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जिस टाइम पे ये देखिए मेरा पेस्ट देख सकते हैं आप, मेरा पेस्ट थोड़ा थिक है, आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है। अब मैंने जो पेस्ट बनाने के लिए चाहिए थी मुझे कुछ पन्नी तो मिली नहीं, मैंने क्या करा, आपके घर में कुछ भी मसाले का होगा तो मेरे पास बेसन का पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या करा, बेसन जो बचा हुआ बेसन था एक डब्बे में डाला, और इस बेसन को अच्छे इस पन्नी को लेके और इसमें फटाफट से मैंने क्या करा, इस पेस्ट को डाल दिया। अब इसके साइड कोने में कट कर दूंगी मैं, जिससे कि मेरी जो जलेबी जो भी टेस्ट जो मुझे उसका डिज़ाइन देना है वो बनने में दिक्कत ना हो। और ये देखिए इस तरीके से मैंने क्या करा, सारे कुरकुरों को अच्छे से अपने अपने डिज़ाइन जिस आपको डिज़ाइन पसंद आता है उस हिसाब से, अगर आपको लंबा शेप देना है, गोल देना है, जलेबी जैसे देना है, जैसा आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हैं। मुझे तो जो पसंद आया मैंने तो सारे डिज़ाइन डाल दिए इसमें, ठीक है दोस्तों। अभी ये बन के तैयार नहीं हुए हैं, जब ये सूख जाएंगे, इसको 2-3 दिन की धूप लगेगी जब ये सूख जाएंगे, और जब ये कुरकुरे तैयार होंगे तब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ओके, वेट फॉर अ न्यू ब्लॉग। ओके, बाय।